नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। अटेरन शिवांश द्वारा गुल्लक की 1004 रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने SDM को सौंपी। आपको बता दें कि नटेरन तहसील के ग्राम सेऊ के निवासी विकेश चौकसे के पुत्र शिवांश चौकसे 9वीं क्लास में पढ़ता है, जिसकी उम्र 14 वर्ष है। शिवांश द्वारा कई महीनों से अपनी गुल्लक में बचत कर रहे थे। वो जमा पूंजी कोरोना के संकट से जूझ रहे देश के नागरिकों के काम आए, इसलिए आज रविवार को अपनी गुल्लक लेकर करीब 1 बजे तहसील कार्यालय में अपनी गुल्लक की जमा राशि 1004 रुपए। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में कोरोना से संकट बना हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने के लिए SDM शैलेंद्र सिंह को गुल्लक दी गई। शिवांश के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए SDM शैलेंद्र सिंह द्वारा शिवांश की सराहना की। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए SDM शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आज रविवार को तहसील कार्यालय में आकर शिवांश चौकसे, पिता का नाम विकेश चौकसे, कक्षा 9वीं में पढ़ता है, ग्राम सेऊ के निवासी हैं, उम्र 14 वर्ष है। इनके द्वारा अपनी गुल्लक से जो बचत की गई थी वह 1004 रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जमा की गई। इस पुनीत कार्य के लिए मैं उनको व उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं और हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे लोग समाज सेवी हृदय में सेवा सहयोग का भाव लेकर और आगे आएं और इस कठिन घड़ी में देश सेवा के लिए जो कुछ योगदान दे सकें वह दें। पापा ने 9 दिन की अखंड जो साकर मंदिर पर प्रज्वलित की थी गरीबों के लिए, फिर उसी को देख कर ही भावना आई। अच्छा, तो SDM कार्यालय में आपने ये कितने भी टोटल कितने 1004 मतलब ये किस लिए जमा किए आपने? गरीबों की सहायता। ग्राम सेऊ का एक बालक है जिसने अभी मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने पैसे जमा किए, सर थोड़ी इसके संदर्भ में थोड़ी जानकारी। जी, मैं जानकारी आप लोगों को दे दूँ। ये बच्चा है शिवांश चौकसे, पिताजी का नाम विकेश चौकसे है, ये सेऊ गांव के हैं और 9th में पढ़ते हैं। ये जो इनकी 14 साल है, इन्होंने अपने गुल्लक से जो इनके द्वारा बचत की गई थी कुल 1004 रुपये की, ये मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए उन्होंने ये दान दिया है। मैं ऐसे पुनीत कार्य की सराहना करता हूँ और बच्चे को, उनके परिवार को, आप सबको धन्यवाद देता हूँ और हमारा प्रयास ये रहेगा कि ऐसे लोग और आगे आएं और इस कठिन घड़ी में देश सेवा के लिए जो कुछ भी समर्पित कर सकें, योगदान दे सकें उसके लिए। खबर समय जगत के लिए नटेरन से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।